गोरखपुर रेलवे लेखा सहायकों के स्वीकृत आर्बिट्रेशन अवार्ड को लागू करवाने की मांग। ऑल इंडिया रेलवे अकाउंट स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री वाई एन कुंवर जी की अध्यक्षता एवं श्री एस बी पांडेय जोनल जनरल सेक्रेटरी के आह्वान पर केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के समकक्ष रेलवे लेखा सहायकों को भी दिनांक 1 जनवरी 1986 से वेतनमान 1640 रुपए से 2900 का वर्ष 2004 स्वीकृत आर्बिट्रेशन अवार्ड जो लगभग 20 वर्षों से लंबित मुद्दे को लागू करने हेतु भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु रेलवे लेखा कैंटीन के समीप एक मीटिंग का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए महामंत्री पीआरकेएस कॉमरेड विनोद कुमार राय जी ने लेखा कर्मियों के इस लंबित मुद्दे के संबंध में पीआरकेएस द्वारा किए गए प्रयास पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि लेखा विभाग का यह मुद्दा साथ ही पांचवें वेतन आयोग के बकाया भुगतान करने की जिम्मेदारी अब पीआरकेएसएनएफआईआर का मुद्दा हो गया है। उन्होंने बताया कि अभी पिछले 28 और 29 अप्रैल को एनएफआईआर के सीडब्ल्यूसी मीटिंग जो मुंबई में संपन्न हुआ उसमें भी इस मुद्दे को उठा दिया हूं, जिसमें स्वयं एनएफआईआर के महामंत्री आदरणीय श्री एम राघवैया साहब ने भी खुले मंच से इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को लागू करने हेतु विगुल फूंक देने की घोषणा की है। सीडब्ल्यूसी में यह मुद्दा 7-8 जोन के पदाधिकारियों द्वारा उठाया गया है। सभा को संबोधित करने वालों में श्री एस बी पांडेय जी जोनल जनरल सेक्रेटरी एआईआरएएसए, श्री के एम मिश्रा जी लेखा मंडल मंत्री पीआरकेएस, श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा, श्री कृति भूषण प्रसाद, श्री उदय शंकर खरे आदि ने भी संबोधित किया। विनोद राय महामंत्री पीआरकेएस ने मीडिया से बात किया। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेके आज आप लोग हमारा यह लंच में मीटिंग इस नाते हुई है की भारत वर्ष का मुख्यालय पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है और यहाँ पर हमारे अकाउंट जो पूरे पूर्वोत्तर रेलवे पर ये जो तनख्वाह दिलवाने और तनख्वाह का काम करते हैं, कर्मचारियों का जो सही ढंग से काम करते हैं, एक मिनट भी अपने सीट से हटने का काम नहीं, दिमाग से काम करते हैं, उनका ग्रेड पे 5400 लगवाने के लिए बात हुई थी, 5400 ग्रेड पे लगा। फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए 2016 से मामला चल रहा है। आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए मैंने बंबई में वर्किंग कमेटी में उठाया, उसका वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में और हमारे डॉक्टर एम राघवैया एनएफआईआर के महामंत्री जो भारतीय स्टाफ साइट के सेक्रेटरी हैं, पूरे भारतवर्ष के स्टाफ साइट के सेक्रेटरी डॉक्टर एम राघवैया ने कहा है कि जब भी अकाउंट का आर्बिट्रेशन अवार्ड 2016 से दिलवाने का काम मैं करूंगा, 100% मैं बता रहा हूं। विनोद राय को उन्होंने आश्वासन दिया। उसी मुद्दे पर आज हमारे आईआरसा के महामंत्री पांडे जी ने एक मीटिंग रखा और यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ एनएफआईआर में जो जो भी पत्राचार हुए हैं उस पत्राचार को बताने के लिए और अवार्ड को दिलवाने के लिए और यह आज मीटिंग रखी गई है ताकि ये संदेश जाए मीडिया के माध्यम से कि पूरे देश में जो बोर्ड ने कर दिया है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो भी है उसको तत्काल करे ताकि लागू हो। तमाम जगहों पर जितने भी पोस्ट हैं, जो जैसे ओटीए का मामला है 4200 ग्रेड का और तमाम मामले जो रुके हुए हैं जो प्रमोशन के, जब रेलवे बोर्ड ने डिसाइड कर दिया तो मंत्रालय रोक कर करके बैठा हुआ, मंत्रालय को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, आप ही का मंत्रालय है, आप ही का बोर्ड है, जब उसने लिख दिया तो उसको पारित करना चाहिए। इसीलिए आज हमारे प्रबुद्ध लोग जो अकाउंट के साथी हैं उपस्थित हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं और आगे भी जितने भी यहाँ पर बोर्ड स्तर के अधिकारी आए, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ अकाउंट के पदाधिकारियों के साथ आईआरसा के साथ कदम से कदम मिलाकर के हर वक्त खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा और उसको करा करके छोड़ा जाएगा। विनोद राय महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ वर्किंग कमेटी मेंबर एनएफआईआर नई दिल्ली।